नमस्कार मेरी छोटी सी YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सभी बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। तो लेकर हाजिर हूं मैं अपनी मोस्ट अवेटेड सीरीज। तो वैसे तो मेरी वीडियोस का किसी को इंतजार नहीं होता है, लेकिन फिर भी मन की तसल्ली के लिए बोल देता हूं। सो लेकर हाजिर हूं मैं अपनी मोस्ट अवेटेड सीरीज जिसका नाम है हिमदर्शन। इस सीरीज में मैं आपको दर्शन करवाऊंगा हिमाचल प्रदेश के मंदिरों के, और उन मंदिरों से जुड़ी आस्था और महिमा की कहानी आपको सुनाऊंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ ये बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए करते हैं शुरू। देवभूमि हिमाचल प्रदेश अपनी अलौकिक और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए काफ़ी विश्व विख्यात है। देवी देवताओं की सरजमी हिमाचल प्रदेश अपनी धार्मिक आस्था के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। पग पग पर बसे देवी देवताओं में लोगों की काफ़ी गहन आस्था है। हर मंदिर की अपनी महिमा और इतिहास है। कई मंदिर काफ़ी मशहूर हैं तो कई बहुत कम। तो आज की इस पहली कड़ी में हम जानेंगे संतान दात्री माता सिमसा जी के बारे में। तो कौन है संतान दात्री? क्या सचमुच जमीन पर सोने से महिलाएं हो जाती हैं गर्भवती? क्या है इस मंदिर से जुड़ी हुई महिमा? क्या है इस मंदिर की आस्था? कैसे आप इस मंदिर में पहुंच सकते हैं? और इसके साथ साथ आपको सुनाऊंगा इस मंदिर से जुड़ी एक रहस्यमय कहानी। तो जानेंगे सब कुछ आज की इस कड़ी में। तो आइए करते हैं आज की कड़ी की शुरुआत। छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी की हसीन वादियों के एक सिमस गांव में बसा है संतान दात्री माता सिमसा जी का दरबार। अपनी धार्मिक, अलौकिक, चमत्कारिक, रहस्यमयी मान्यताओं के लिए काफी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि जिन महिलाओं की संतान नहीं होती है, उन महिलाओं की माता सूनी गोद भरती हैं, और संतान की इच्छा रखने वाली महिलाएं अगर माता के दरबार में सोती हैं तो वो गर्भवती हो जाती हैं। मंदिर के पास एक ऐतिहासिक बावड़ी है, जहां पर सबसे पहले महिलाएं स्नान करती हैं और उसके बाद माता के दरबार में अपना बिस्तर लगाकर वहां पर सोती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता सिमसा उनके सपने में आती हैं और उन्हें संतान प्राप्ति का फल देती हैं। इस मंदिर में देवी की ऐसी शक्ति है कि माता यह तक संकेत दे देती है कि आने वाली संतान लड़का होगा या लड़की। अगर देवी सपने में अमरूद या केला देती है तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाली संतान लड़का होगा। अगर माता सपने में कोई सब्जी देती है, जैसे कि भिंडी या लौकी माता उस महिला को देती है, तो इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाली संतान लड़की होगी। और भी बहुत कुछ माता सपने में आकर महिलाओं को बहुत कुछ बांटती हैं। एक रहस्य इस मंदिर से और भी जुड़ा हुआ है कि अगर किसी महिला को मंदिर के अंदर सोते हुए ज्यादा समय हो गया है और उसे सपना नहीं आ रहा है, अगर सपना आ भी रहा है तो माता उसे सपने में लकड़ी या कोई मेटल दे रही है, तो इससे भी आइडिया लगाया जा सकता है कि उस महिला को संतान नहीं होगी। अगर संतान होगी तो काफी लेट होगी। और भी इस मंदिर से बहुत से रहस्य जुड़े हुए हैं, बहुत से चमत्कार जुड़े हुए हैं। कहा जाता है कि अगर किसी महिला को सोते हुए ज्यादा समय हो गया है और उसे सपना नहीं आ रहा है, तो वहां पर उसे चींटियां काटती है और उसका पूरा शरीर लाल हो जाता है, लाल लाल निशान बन जाते हैं, और उस महिला को अपना बिस्तर उठाकर वहां से निकलना पड़ता है। तो ये था मंदिर से जुड़ा हुआ रहस्य। अब आपको मंदिर से जुड़ी एक रहस्यमय कहानी सुनाता हूँ कि कैसे ये मंदिर प्रचलन में आया है। तो आइए सुनते हैं कहानी। तो ये कहानी कुछ इस तरह से है कि सिमस गांव में एक टोबा सिंह नामक का व्यक्ति रहा करता था। एक दिन वो महाशिवरात्रि वाले दिन अपने खेतों में तरड़ी की सब्जी निकालने के लिए गया। तो तरड़ी, मैं आपको बता दूं, तरड़ी एक सब्जी होती है, जमीन से निकलती है और उसे सब्जी पकाकर हम खाते हैं। तो टोबा सिंह भी सब्जी निकालने के लिए अपने खेतों में गया हुआ था। तो टोबा सिंह ने जैसे ही पहली चोट जमीन पर मारी तो जमीन से दूध निकलने लगा। टोबा सिंह काफी खुश हो गया कि तरड़ी अच्छी खासी निकल जाएगी, अच्छी खासी सब्जी बन जाएगी। तो जैसे ही टोबा सिंह ने दूसरी चोट जमीन पर मारी तो जमीन से पानी की तेज धारा निकलने लगी। और टोबा सिंह ने सोचा कि ऐसे ही निकल रहा होगा पानी। तो टोबा सिंह ने तीसरी चोट जैसे ही जमीन पर मारी तो जमीन से खून निकलने लगा।
तो टोबा सिंह अब काफी घबरा चुका था कि ये क्या हो रहा है। तो सहमा हुआ टोबा सिंह जैसे ही घर पहुंचा, रात हो गई तो टोबा सिंह सो गया, और रात को सपने में माता टोबा सिंह के सपने में आई और उसे साक्षात दर्शन दिए। तो टोबा सिंह से माता ने कहा कि जहां तू खुदाई कर रहा है वहां तू खुदाई कर, वहां पर नीचे मेरी एक मूर्ति निकलेगी और उस मूर्ति को पालकी में सजा जाकर लाना, और जहां पर तुझे और जो भी मतलब पालकी को उठा रहा होगा आप सबको, जैसे ही पालकी भारी लगने लगे तो वहां पर उस मूर्ति को स्थापित कर देना और मेरा मंदिर बनवा देना। तो आज भी ये मंदिर जो कि जो मंदिर में मूर्ति लगी हुई है, जो कि टोबा सिंह को मिली हुई थी, तो ये थी रहस्यमय कहानी। टोबा सिंह को माता मिली थी, साक्षात उनके सपने में आई थी, और अब माता लोगों के सपने में आकर, महिलाओं के सपने में आकर उनको संतान बांटती है, पुत्र पुत्री बेटा बेटी सब कुछ माता बांटती हैं। तो जो लोग संतान की इच्छा रखते हैं तो माता के दरबार में वो जरूर आ सकते हैं। इन नवरात्रों में इनकी काफी आस्था होती है, काफी भीड़ होती है इन दिनों में, तो आप भी आ सकते हैं। इस मंदिर से जुड़ा एक छोटा सा किस्सा और भी है कि इस मंदिर के पास एक बहुत बड़ी चट्टान है। अगर आप उस चट्टान को ऐसे धक्का देंगे या हाथ से हिलाएंगे तो वो नहीं हिलती है। अगर आप उसको अपने हाथ की सबसे छोटी उंगली से हिलाते हैं तो वो हिल जाती है। तो ये भी इस मंदिर में एक चमत्कार है। तो अगर आप भी इस मंदिर में आना चाहते हैं तो आप भी आ सकते हैं। तो अभी आपको मैं बताऊंगा कि आप कैसे पहुंच सकते हैं माता सिमसा जी के दरबार में। तो अगर आप हिमाचल प्रदेश के बाहर से आ रहे हैं तो सबसे नियर बाय रेलवे स्टेशन है पठानकोट। तो आप पठानकोट तक रेलवे के माध्यम से पहुंच सकते हैं। पठानकोट से आप डायरेक्ट बैजनाथ के लिए बस ले सकते हैं, और बैजनाथ से सिमसा माता मंदिर की दूरी मात्र 32 किलोमीटर की है। बैजनाथ से आपको बस फैसिलिटी मिल जाएगी, हर आधे घंटे के बाद बस सर्विस है सिमसा माता मंदिर के लिए। तो बैजनाथ से आप सिमसा माता मंदिर तक पहुंच सकते हैं। अगर आप कैब टैक्सी के माध्यम से भी माता के दरबार पहुंचना चाहते हैं तो आप कैब टैक्सी कर कर भी माता के मंदिर तक जा सकते हैं। और भी बहुत सारे रास्ते हैं मंदिर तक पहुंचने के लिए। ये जो मंदिर है वो पूरा इंटरकनेक्ट है सिटीज के साथ, हमीरपुर, कांगड़ा, चंबा, ऊना। सो ये था मेरा पहली सीरीज का पहला पार्ट। तो इसी तरह से मैं और भी मंदिरों के बारे में आपको बताता रहूंगा, हिमाचल प्रदेश के मंदिरों के बारे में, देवभूमि के बारे में आपको बताता रहूंगा। तो जो भी देवभूमि के मंदिर हैं उन मंदिरों से जुड़ी रहस्यमय, चमत्कारिक और ऐतिहासिक आस्था आप सबके बीच में लाता रहूंगा। तो आप ढेर सारा प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ वीडियोज़ को शेयर कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए और सपोर्ट करते रहिए। तो इसी तरह से मैं ऐसा ऐसा कंटेंट अपने चैनल पर पोस्ट करता रहता हूँ। तो बस ज़रूरत है आप सबके प्यार की, आप सबके सपोर्ट की। सारे फेमस हो रहे हैं, मुझे भी फेमस कर दो। तो बहुत जल्द हम अपने जो एम रखा है मैंने वो कंप्लीट करने वाले हैं हम। तो लव यू ऑल गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।